संघर्ष है। ये ट्रॉली, किसान की ट्रॉली और देश की थाली बचाने का संघर्ष है। अच्छा, मैं मोदी जी को कहना चाहूंगी, दो लाइन मत छेड़, किसानों को लड़ना मुश्किल होगा, रचेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। देखो, कुछ लोगों के मुंह में बदबू भरा रहता है और हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि ऐसा सांसद यहाँ पर सांसद है। मोदी जी आखिरी बिल अपन देश में लागू करे हावे, ओकर बर हमार सब किसान भाई और बहनी मन भी आज अपन गांव-गांव में आक्रोश है। उनको मोबाइल की दुनिया से निकाल के किसानों की दुनिया में लाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? संदेश देना चाह रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से। मोदी जी अपनी हर धर्मिता छोड़ नहीं रहे और पूरे देश के किसान आज 73 दिन दिल्ली बॉर्डर में आंदोलनरत है। देखो, स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रवैया पहले बार देखने मिला थे। मैं मुख्य रूप से श्री कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने जो कल पार्लियामेंट में बोला कि काला क्या है इसमें हमको कोई बताए, तो मैं कृषि मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ, पंजाबी रहेंगे, इंडियन हाँ, इंडियन थे, इंडियन रहेंगे। इनसे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, उनके बच्चे तो फिर वैसे ही अनपढ़ रह जाएंगे, वो वापस मिट्टी में मिट्टी होते रहेंगे। तीन घंटा ट्रकों के चक्के नहीं घूमे, केंद्र सरकार की किसान नीति का विरोध करते हुए दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान 6 फरवरी को संपूर्ण देश में किसान नेता राकेश टिकैत ने देश में 3 घंटा चक्का जाम का आह्वान किया था। घोषणा के बाद संपूर्ण छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 में वाहनों के चक्के जाम रहे। किसान नेता और केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार के किसान बिल निर्णय के विरोध में विपक्ष में सभी बैठे दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिलों में किसान चक्का जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। किसान नेता सुदेश टीकम के अलावा कांग्रेस की महापौर हेमा देशमुख, सुदेश देशमुख, रूबी गर्चा, सूर्यकांत जैन, महेंद्र यादव, मदन साहू आप पार्टी जिला अध्यक्ष खेमराज वर्मा, जो भी कांग्रेस की तरफ से जनरल भाटिया सहित अन्य विपक्षी दल और किसान नेता चक्का जाम के समर्थन में किसानों के साथ उतरे। ट्रिपल पी न्यूज से देवाशीष की रिपोर्ट। हमारे साथ थोड़ा पीछे जाइए, अभी हम राजनांदगांव में पारी नाला के पास खड़े हैं, बाईपास है और सभी विपक्षी पार्टी समर्थन कर रही है किसान आंदोलन का, तीनों काले कानूनों का, MSP का, और आप पार्टी भी दिल्ली से लेके पूरे भारत में किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। अभी दिल्ली में एक बहुत बड़ी आप पार्टी ने कदम लिया, जो वहाँ की सरकारी बसें थी उसको बंद करके एक तरीके से पुलिस वालों की, जिस तरीके से पुलिस वालों ने कांटा लगाया था और तार बांधे थे, तो कुल पुलिस वालों को जो आंदोलन के विरुद्ध में काम कर रहे थे सरकार के आदेश पे, उनको रोकने का प्रयास किया। हम राजनांदगांव में पूछते हैं क्या है जो आंदोलन है दिल्ली से लेके राजनांदगांव से लेके आसाम तक, आप पार्टी क्या सोचती है? स्वाभाविक है, पिछले 3 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। इस देश का संविधान इस बात की मंजूरी देता है कि इस देश का संविधान किसानों पर आधारित है। हमारे देश की टोटल जनसंख्या में 90% किसान है। किसान है तो सरकार है, किसान नहीं है तो सरकार नहीं है। किसानों के हित पे सरकार को सोचना चाहिए, किसानों के हित में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। शास्त्रों में बात बहुत क्लियर है, राजा एवं प्रजा ही तेन कुर्वंती तह राजा तह राजना प्रसिद्धती। राजा वही होता है, राजा वही है जो प्रजा के हित का चिंतन करे। अब प्रजा के हित का चिंतन करना इस देश के सरकार को मजबूरी है। किसान अगर नाराज है तो किसान को अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, चाहे वो सदन तक पहुँच कर लड़ाई हो, हम लड़ते रहेंगे और साथ में किसानों के साथ खड़े मिलेंगे। दूसरा सवाल, भारत में छत्तीसगढ़ में भारत का एक राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ का जो सांसद है उन्होंने फिर से जो उन्होंने 2 बार खालिस्तानी और नक्सली किसानों को बोला है,
उसका आप पार्टी लगातार विरोध कर रही है और उन्हें अभी तक लगभग एक महीना हो गया उनको ये बयान दिए लेकिन उन्हें अभी तक माफी नहीं मांगी है। आप पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? देखो कुछ लोगों के मुंह में बदबू भरा रहता है और हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि ऐसा सांसद यहाँ पर सांसद है जिसने किसानों को खालिस्तानी कहा है पिछले 70 सालों में, नक्सली भी कहा है, जिसने किसानों को नक्सली और खालिस्तानी कहा है पिछले 70 सालों में, जिन किसानों ने सरकार बनाया, जिन किसानों ने लड़ी, जिन किसानों के माध्यम से आज़ादी मिली, उन्हीं किसानों को खालिस्तानी कहना मूर्खता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस जिले का जो सांसद वो मूर्ख है, उनको समझ में आना चाहिए कि किसान खालिस्तानी और नक्सली नहीं होता। स्वाभाविक सी बात में अगर वो अपने बदबू पर अब मुँह से अगर जुबान कर रहा है तो उनकी बेवकूफ़ी है। ये थे हमारे साथ आप पार्टी के जिलाध्यक्ष खेमराज वर्मा जी, जो आप पार्टी का व्यू है दिल्ली से लेके भारत से लेके राजनांदगांव तक और इस पारी नाला चौक तक वो बता रहे थे। पीपीवी न्यूज़ और आरपी न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और e-business रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया e-business में पार्टनर हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं। हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300076662। हमारे व्हाट्सएप 9200003100 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष।